हेलो, फोन इन फरमाइश। मैम नमस्कार, आदाब। मैं इमु कुरैशी कन्याकुमारी। स्वागत है इमु कुरैशी जी आपका। बहुत दूर बैठ के आपने इस स्टेशन पर वाराणसी केंद्र को फोन किया है। आप शायद पुष्पा जी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा। जी जी जी, सही पहचाना आपने। आप कैसे हैं, आप बताएं, वाराणसी के हालचाल बताएं। हम अच्छे हैं। वाराणसी के लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं, सब भले चंगे हैं। इस समय तो पूरा बनारस उत्सव मना रहा है। प्रवासी भारतीय हमारे नगर में आए हुए हैं, लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, तो हमारे यहाँ का माहौल तो इस समय बहुत खुशनुमा है। और कहा जाता है ना, अतिथि देवता के समान होते हैं, तो हम लोग उसी अतिथि देवो भव, तो हम लोग उन्हीं भावनाओं के साथ अपने अतिथियों के स्वागत में लगे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा आकाशवाणी वाराणसी के लिए कि सबसे बड़ी जो दूरी है वो इस तरीके से दूर हो जाती है, जैसे पांडुरंग जी हैं, आप हैं, और आदरणीय जितने भी हमारे समस्त आरजेगण हैं, वो हमारे लिए एक ऐसा काम कर देते हैं कि दूरी हमें पता ही नहीं चलती। क्या बात है, बहुत खूब, सच में। और मैं ये कहूँ कि एक आकाशवाणी वाराणसी के लिए एक शायरी है मेरे पास। जी स्वागत है। जी जी, मैं कहना चाहूँगा आप सभी को समर्पित है, और मेरे जितने वाराणसी के लिसनरगण हैं उनको भी। जी। कि किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद, काबे का एहतराम भी मेरी निगाह में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अलग तरह की सोच हमारे श्रोता रखते हैं वाराणसी केंद्र के साथ, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। हमें तो सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है वाराणसी केंद्र पे जो भी कितनी भी दूरी होती है वो खत्म हो जाती है, और दूसरी बात ये है यहाँ के जो उद्घोषक हैं इतने प्यार से प्रोग्राम को पेश करते हैं और इतना प्यार सम्मान देते हैं। सभी केंद्रों पे तो नहीं, लेकिन वाराणसी केंद्र तो हमारे लिए फेवरेट है। ये बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा तोहफा है आप सबका, हम सभी उद्घोषकों के लिए, हम सभी साथियों के लिए। तो इसके लिए हम सबकी ओर से आपको शुक्रिया कहते हैं कि इसी तरह से आप लोग। हाँ हाँ, हम आपके केंद्र से केंद्र द्वारा एक बात कहना चाहते हैं, हमारे जो लोग जो शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं प्लीज ऐसा ना करा करें, और दूसरी बात जो पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, पानी को व्यर्थ फैलाते हैं, तो हम उनसे कहेंगे डू नॉट वेस्ट वाटर, सेव वाटर सेव लाइफ। जल ही जीवन है, जल से सभी प्राणियों का बहुत गहरा नाता है। और रह गई बात मद्यपान की या नशे की, तो नशा कोई भी हो इंसान को बहुत पीछे ले जाता है, उसकी जिंदगी से बहुत दूर ले जाता है, उसकी समाज में भी कदर नहीं होती, उसके पैसे की बर्बादी होती है, उसकी सेहत गिर जाती है। इसलिए बचपन से ही ऐसे तरीके से पालन पोषण करें बाल बच्चों का कि वो शुरू से ही जागरूक रहें कि किसी भी तरीके के नशे की तरफ आंख उठा के देखे भी ना, और अगर कहीं कोई दिखे तो उसे बहुत प्यार से समझा के जो लत है उसकी उसको दूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूंगा सभी दोस्तों से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है व्यर्थ ना करें। जी जी, पानी का इस्तेमाल करें, व्यर्थ ना करें, ये बात आपकी बहुत सही है। और इन्हीं बातों के साथ अब चाहेंगे कि आप अपनी पसंद हमें बता दें। जी, फिल्म का नाम तो मुझे पता नहीं, बट गीत के बोले दूरी न रहे कोई आज इतने करीब, मैं तुम में समा जाऊं, शायद वीराना पिक्चर है। हाँ। और मैं सभी लिसनरों को, जैसे हमारे वाराणसी के दो चार लोग हैं हमारे फेवरेट हैं और बहुत आदरणीय हैं, जैसे हमारा छोटा भाई नफीस अंसारी है, उस्ताद सुलेमानी जी हैं, पांडुरंग पुरानी जी हैं जो आपके उद्घोषक हैं, और आप भी हैं, बहुत सारे लोगों को समर्पित करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे आप सभी खुश रहें और अमन अमान में रहें। जी जी, खुशी की लहर दौड़ती रहे आकाशवाणी वाराणसी में। जी जी, आप सबको भी बहुत बहुत खुशियां मिले, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्नेह बना रहे कार्यक्रम के प्रति, और गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हैं आपको। एक बात और कहना चाहूंगा आकाशवाणी के माध्यम से कि हमारे जो दिल्ली के श्रोता हैं, हमारे रस्तोगी जी, सुनील रस्तोगी जी को इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं सुनता। सुनील रस्तोगी जी वाकई में बहुत बड़े दीवाने हैं, और उन्होंने ही हमें ये लत लगाई है। अच्छा जी जी जी, वो आपका अब डीटीएच के माध्यम से हो चाहे फिर रिकॉर्डिंग के माध्यम से, हमें तो सुनना ही है क्योंकि हम बिना सुने रहते ही नहीं। चलिए क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। बहुत शुक्रिया जी। तो आपका जो स्नेह है आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों के प्रति बना रहे इसी तरह से, और अब आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, अपनी पसंद का गीत सुनिए। नमस्ते। नमस्ते।
श्रोताओं, ये था आज का हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम